Hi student, I am Shiva Gautam and today I am starting the session of .NET. ओके इसके पहले मैंने .NET का जो सेशन बताया था ESP.NET कोर का जो सेशन मैंने बताया था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से अपन डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, मीन्स किस तरीके से अपन एक MVC डिजाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए एक एप्लीकेशंस का UI क्रिएट करते हैं, मॉडर्न फॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने बताई थी। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम जब भी कोई एक प्रोजेक्ट के अंदर का लेआउट बनाते हैं, मीन्स जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसमें एक QMS का मॉड्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइटल होगा वो होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैं एक पर्टिकुलर आपको शोरूम का ऑटोमोबाइल शोरूम का एग्जांपल देता हूँ। ऑटोमोबाइल शोरूम के अंदर जैसे अलग अलग टाइप के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कौन से डिपार्टमेंट का क्या पर्टिकुलर्स आपका फोकस होता है, कौन से डिपार्टमेंट का क्या रिव्यूज होता है, इस चीज़ को अपन इसमें डिटरमाइन करेंगे। तो जो हमारा QMS सिस्टम होता है उसको मैं एक बार आपको जनरली समझा देता हूँ कि इस रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ASP.NET कोर। इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको हम QMS बोल सकते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी और डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ पर कस्टमर का जो इंट्रैक्शन होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से होता है। जैसे कोई कस्टमर्स का इंस्ट्रक्शन सेल्स डिपार्टमेंट से हो रहा है तो कस्टमर सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या फीडबैक देता है, इस चीज़ को ये एप्लीकेशन मॉनिटर करेगा। मान लो कोई कस्टमर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से उसका इंट्रैक्शन होता है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से उसका क्या फीडबैक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से यदि कुछ कस्टमर का क्या है इंट्रैक्शन होता है तो उसका क्या फीडबैक है, ठीक है। इसके अंदर एडमिन होगा जो ऑल ओवर जितने भी टाइप के डिपार्टमेंट होंगे उन सभी का फीडबैक देख सकता है। सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स से रिलेटेड कस्टमर्स के जो फीडबैक है वो देख सकता है। तो फीडबैक से क्या होगा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली देखा जाए तो तीन अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स हैं। जो पहला टाइप, मतलब तीन अलग अलग टाइप के यूजर्स हैं, एक है कस्टमर, दूसरा है मैनेजर और तीसरा है एडमिन, ठीक है। तो जो कस्टमर है ये इसका काम होता है रैंकिंग या फीडबैक देना, रिव्यूज़ देना, ठीक है। मैनेजर का काम क्या है, उस रिव्यूज़ को मॉनिटर करना और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिव्यूज़ आया है उस रिव्यूज़ का रिप्लाई करना। एडमिन का काम होगा कि पर्टिकुलर सभी टाइप के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी के रिव्यूज़ को ऑब्जर्व करना और उस रिव्यूज़ का को सही करने के लिए एडमिन को या मैनेजर के थ्रू मतलब मैनेजर से कम्युनिकेट करना। तो इसमें एक पूरी हायरार्की है कि सबसे टॉप जो लेवल है वो एडमिन का है, सेकेंड लेवल पर आपका मैनेजर है और थर्ड लेवल पर कस्टमर है। तो इस तरीके का हमें एक एप्लीकेशन बनाना है। इस एप्लीकेशन को अपन इस प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जो हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या जो हमारा पर्टिकुलर जो ये जो पर्टिकुलर हमने चालू किया है ये सेशन, इसका गोल क्या है, इसका गोल है एक प्रोजेक्ट डेवलप करना, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप अपन डायरेक्टली नहीं करते, प्रोजेक्ट डेवलप करने से पहले उस प्रोजेक्ट का हम एक थोरो स्टडी करते हैं। तो वही स्टडी मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लर्नर्स होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो होता है, वो C# भी सीख लेते हैं, ASP.NET कोर MVC भी सीख लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनको प्रोजेक्ट में कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है ना वो यही जानना चाहता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कितने टाइप के यूजर्स हैं, आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके प्रोजेक्ट का डोमेन क्या है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके के कौन कौन से आपने डायग्राम बनाए या आपके प्रोजेक्ट का जो फ्लो आर्किटेक्चर है वो क्या है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट का टाइटल है QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के अंदर नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं वो तीन टाइप के हैं, कस्टमर, मैनेजर और एडमिन। इस प्रोजेक्ट का मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द करेंट क्वालिटी रेशियो, टू करेंट क्वालिटी
based on department or based on different type of facilities. अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट और अलग अलग टाइप के फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कस्टमर क्या करेगा, फीडबैक देगा. जैसे मान लो, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई भी व्हीकल का शोरूम है या किसी ऑटोमोबाइल का शोरूम है, ठीक है, या कोई कार का, मतलब मान लो आप कार के किसी शोरूम में जाते हो और वहाँ पर आप सबसे पहले किससे इंट्रैक्शन करते हो, फ्रंट डेस्क से. उसके बाद फिर सेल्स की टीम के पास आप जाते हो, सेल्स की टीम से आपका इंट्रैक्शन होता है, वो लोग आपके पास अलग अलग टाइप के कार के फीचर्स आपको डिस्क्राइब करते हैं. फिर आपको को कार यदि पसंद आता है तो आप फाइनेंस टीम में जाते हो, फाइनेंस टीम आपको बताता है कि हाँ आपका इतना फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है. इसके बाद आपको शुरू में जो आपको कार जो दिख रही थी वो किससे दिख रही थी, ब्रांडिंग से दिख रही थी. तो मार्केटिंग इनडायरेक्टली आपका जो इंट्रैक्शन हो रहा था वो किससे हो रहा था, मार्केटिंग टीम से हो रहा था. मार्केटिंग टीम वाले भी आपके सामने आएंगे, आप यदि कार परचेस करोगे तो आपका कार के साथ आपका फोटोग्राफ खींचेंगे, उसको अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर शेयर करेंगे. तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक कस्टमर हो, आपको तीन अलग अलग टाइप के मॉड्यूल से क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है. तो इस तरीके के एप्लीकेशन हम बनाएंगे कि जब आप इन तीनों अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट से इंट्रैक्शन करते हो तो आपका क्या रिव्यूज होता है, क्या फीडबैक होता है, वो आप इस एप्लीकेशन में दोगे. तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे कि सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का जो पर्टिकुलर एक डेटाबेस आर्किटेक्चर है वो हम क्रिएट करेंगे, डीबी. तो सबसे पहले हम डेटाबेस आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे. डेटाबेस जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहला लेयर क्या होता है, डेटाबेस लेयर होता है. दूसरा लेयर जो होता है उसका यूआई लेयर होता है. हालांकि ये आगे पीछे भी बन सकते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. कभी कभी कुछ जगह यूआई लेयर का प्रायोरिटी ज़्यादा होती है. डेटाबेस लेयर जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि क्लाइंट बोलता है मुझे थोड़ा सा डिजाइन देखना है, क्लाइंट नॉन टेक होता है तो उसको डिजाइनिंग ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए वो यूआई लेयर पे काम पहले करवाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है. दूसरा डेटाबेस लेयर होगा और तीसरा हमारे एप्लीकेशन का लेयर होगा, ठीक है. एप्लीकेशन मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट के अंदर का जो बैकएंड है वो पूरा हम वर्क करेंगे. तो हम भी इसके अंदर पहले यूआई लेयर पे काम करते हैं. तो यदि ASP.NET Core MVC के अंदर अभी मैं यूआई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन एक प्रॉपर यूआई कैसे बनाएंगे दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग. डेटाबेस के अंदर, इसके अंदर हम टेबल्स की बात करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टेबल्स कितने रहेंगे. तो देखो सबसे पहले जो टेबल्स इसके अंदर रहेगा, डिपार्टमेंट मास्टर रहेगा. डिपार्टमेंट मास्टर मतलब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, तो ये मास्टर टेबल मतलब एक ऐसे टेबल्स होते हैं जिसके अंदर हम क्रेड ऑपरेशन, मतलब जिसका जो मेन टेबल होंगे, जो आपके हायर लेवल टेबल होंगे. तो डिपार्टमेंट आपका एक टेबल रहेगा, इसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे सकते हैं. दूसरा हमारे पास एक कस्टमर का टेबल होगा, कस्टमर, इसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होगी. तीसरा जो टेबल होगा वो होगा आपका रिव्यू का टेबल होगा, ठीक है. इसमें कस्टमर रिव्यू देगा, रिव्यू के अंदर हमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी लेनी होगी, ठीक है. रिव्यू के अंदर आपको रिव्यू और जो तीनों रिव्यू जो टेबल है वो डिपार्टमेंट और कस्टमर दोनों से क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये सबसे मेन टेबल है एप्लीकेशंस के अंदर. इसके बाद एक एडमिन के अंदर के लिए भी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, एडमिन के क्रेडेंशियल्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर रहेगा आपका एडमिन अंडरस्कोर मैनेजर का एक टेबल बनाना पड़ेगा, जहाँ पर एडमिन और मैनेजर के बीच में जितना भी इंट्रैक्शन होगा वो इस टेबल के अंदर होगा. इसके बाद अपने को मैनेजर अंडरस्कोर कस्टमर, मतलब मैनेजर यहाँ पे कस्टमर, मैनेजर अंडरस्कोर कस्टमर करके भी एक टेबल अपन बनाएंगे, जिसमें मैनेजर और कस्टमर के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो इसके अंदर होगा बेस्ड ऑन रिव्यू. इसके अंदर रिव्यू भी रहेगा, एडमिन और मैनेजर के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा उसके अंदर भी रिव्यू रहेगा. तो जो रिव्यू आपका टेबल है वो एडमिन अंडरस्कोर मैनेजर के अंदर भी रहेगा और मैनेजर अंडरस्कोर कस्टमर के अंदर भी रहेगा. तो इस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन के अंदर देखा जाए तो एक टेबल डिपार्टमेंट का, दूसरा टेबल कस्टमर का, तीसरा टेबल रिव्यू का, चौथा टेबल एडमिन अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर रिव्यू का, चौथा टेबल मैनेजर अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर रिव्यू का, और पांचवा टेबल आपका एडमिन का रहेगा, ठीक है. तो ये प्रोजेक्ट का पूरा एक फ्लो चार्ट है, या इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी इसको अपन बोल सकते हैं, ये जो प्रोजेक्ट का पूरा एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ठीक है. तो ये हम किसके अंदर बनाएंगे, इसके लिए हम एमएस एसक्यूएल का यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का यूज़ करेंगे, और वहाँ पर हम इसको पूरा लेयर मैनेज कर लेंगे. अब इसके अंदर कितने फील्ड्स होंगे तो वो फील्ड्स भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ. तो मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उनके लिए भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट के अंदर स्टडी करना, जैसे डिपार्टमेंट हो गया तो डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से कॉलम बनेंगे, डिपार्टमेंट का आईडी रहेगा और डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, ठीक है. ये इसके अंदर का फील्ड होगा. अब इसके अंदर डिपार्टमेंट जो आईडी रहेगा ये क्या रहेगा, आपका प्राइमरी की रहेगा. दूसरा टेबल द नेक्स्ट वन, ठीक है. डिपार्टमेंट के बाद जो दूसरा टेबल है आपका दैट इज कॉल्ड कस्टमर. कस्टमर के अंदर कस्टमर का आईडी रहेगा, ये भी प्राइमरी की दे देंगे. कस्टमर का नाम,
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर रहेगा, इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये कस्टमर का रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर के अंदर इसमें एक रिव्यू रहेगा टेबल, जिसमें रिव्यू की आईडी, आईडी मतलब एक लेना ही है आपको, फिर यहाँ पे रेटिंग, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, किस डिपार्टमेंट को रेट किया, कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने रेट किया, और यहाँ पे मैसेज, यहाँ पर मैसेज भी लिख सकता है कस्टमर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड अनदर टेबल इज़ फॉर मैनेजर, मैनेजर के लिए भी एक टेबल होगा, इसमें मैनेजर का आईडी रहेगा, स्टाफ आईडी रहेगा, यहाँ पे नेम रहेगा, इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी रहेगा मैनेजर्स का, इसके बाद मैनेजर का पासवर्ड भी हमें देना रहेगा, मैनेजर का पासवर्ड भी इसके अंदर रहेगा, ओके, जिसके थ्रू मैनेजर आगे एक्सेस कर सकता है। तो ये चार टेबल तो मैंडेटरी टेबल हो गए। इसके बाद यहाँ पर रहेगा मैनेजर अंडरस्कोर कस्टमर का, तो यहाँ पे मैनेजर और कस्टमर के बीच में, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी, मैनेजर आईडी मतलब स्टाफ आईडी, और यहाँ पे रहेगा मैसेज। इसके बाद यहाँ पे रहेगा मैनेजर अंडरस्कोर एडमिन, इसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी और मैसेज, और यहाँ पे मेन रहेगा रिव्यू आईडी, मतलब किस रिव्यू के बेसिस में काम वर्क हो रहा है। इसके बाद मैनेजर अंडरस्कोर एडमिन, मैनेजर अंडरस्कोर एडमिन के अंदर भी क्या रहेगा, यहाँ पे मैनेजर आईडी रहेगा, मैनेजर आईडी के बाद यहाँ पर रहेगा आपका एडमिन का यूजर आईडी रहेगा, एडमिन यूजर आईडी, ओके, इसके अंदर भी रिव्यू आईडी रहेगा और मैसेज रहेगा। तो इतने टेबल्स आपको बनेंगे, मतलब यदि देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट इज़ द फर्स्ट टेबल, कस्टमर इज द सेकेंड टेबल, रिव्यू इज द थर्ड टेबल, मैनेजर इज द फोर्थ टेबल, मैनेजर अंडरस्कोर कस्टमर इज द फिफ्थ टेबल, मैनेजर अंडरस्कोर रिव्यू, मैनेजर अंडरस्कोर एडमिन इज द अनदर टेबल, ठीक है। तो चार से छः, मतलब सिक्स टेबल आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाना है। ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट का क्या रहेगा, एक रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। तो हमने इसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट का हमने डेटाबेस की स्टडी किया कि इसके अंदर डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर पैनल कितने क्रिएट होंगे, तो कस्टमर के अंदर अपन कस्टमर का चाहे तो एक पासवर्ड जनरेट करके कस्टमर का भी अपन एक पैनल बना सकते हैं, एडमिन का पैनल बनेगा और एक मैनेजर का पैनल बनेगा, तीन अलग अलग टाइप के पैनल बनेंगे। तो देखो जैसे जावा और .NET ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी होते हैं जिनके अंदर वेबसाइट नहीं बनते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेबसाइट के लिए होता है .NET जावा, नहीं, वेबसाइट इज़ द डिफरेंट थिंग, ये है आपका एक वेब एप्लीकेशन। और आजकल सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो वेब एप्लीकेशंस की होती है, और आप इस टाइप के वेब एप्लीकेशंस जिसके अंदर पूरा डायनेमिक अप्रोच में यदि काम करवाना है तो उसके लिए आपको जावा या .NET का यूज़ करना होगा, ओके। अब मैं सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट के अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या करना रहेगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट टास्क, तो सबसे पहला टास्क है मेरा UI कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो मैं पहले आपको UI का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करके बताता हूँ। फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ। अब ये नए सीरीज में एक नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे पुराना जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ASP.NET कोर वेब ऐप लेना है आपको, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसका QMS एप्लीकेशन, ठीक है, QMS वेब ऐप, डी ड्राइव में मैं सेव कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट, आफ्टर दैट कॉन्फिगर, QMS वेब ऐप का एक एप्लीकेशन आपका क्रिएट होगा। अब सबसे पहले इसका यूजर इंटरफेस पहले मैं डिजाइन कर लेता हूँ। यूजर इंटरफेस यदि आपको डिजाइन करना है, देखो इसके अंदर एक सैम्पल टेम्पलेट तो बना रहता है, आप चाहें तो उसी टेम्पलेट का यूज़ भी कर सकते हैं, ओके। जैसे इसमें index.html CSHTML करके पहले से बना हुआ है, ओके, पर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं अपना खुद का एक टेम्पलेट पैटर्न यूज़ करूँगा, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे अपन कोई UI बनाते हैं, मैं UI बाय स्क्रैच बना रहा हूँ, तो आप पहले देखो UI मैं कैसे बना रहा हूँ। तो CSS में जाऊँगा मैं, यहाँ पर एक अलग से अपनी एक CSS की फाइल बनाऊँगा, एड, और यहाँ पर मैं जाऊँगा न्यू आइटम,
और इसके अंदर मैं इस फाइल का नाम दे दूंगा style.css. आई हैव क्रिएटेड द css फाइल. ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा शेयर्ड फोल्डर के अंदर और यहाँ पे एक नया लेआउट बनाऊँगा. जो पुराना इनबिल्ट लेआउट है मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ, बट आई एम क्रिएटिंग माई ओन लेआउट. यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड में गया. ऐड में जाने के बाद आप यहाँ पे सो ऑल टेम्पलेट्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे. हमें क्या चाहिए, रेजर लेआउट पेज चाहिए. तो यहाँ पे मैंने कर दिया लेआउट अंडरस्कोर. अब मैं किसका लेआउट बना रहा हूँ, इनिशियली गेस्ट का लेआउट बना रहा हूँ. ये लेआउट अंडरस्कोर मैं पहले किसका बनाऊँगा, एडमिन का बनाऊँगा, लेआउट अंडरस्कोर एडमिन. ओके, तो मैंने ये एडमिन का एक लेआउट क्रिएट कर लिया क्योंकि मैं पहले एडमिन बना रहा हूँ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने लेआउट बनाया, मैंने लेआउट कैसे बनाया फिर से बता देता हूँ. राइट क्लिक किया मैंने शेयर्ड में, ऐड में गया, न्यू आइटम में गया. न्यू आइटम में जैसे जाऊँगा तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी. सो कॉम्पैक्ट व्यू, कभी कभी ऐसा व्यू भी दिखता है. आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा मैनेज कर लेना और यहाँ पे स्क्रॉल करना. स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे लेआउट क्या मिलेगा, आपको लेआउट करके रेजर लेआउट मिलेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट हम किस लेयर में काम कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर टाइप के यूजर्स में काम कर रहे हैं, एडमिन में अभी काम कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया. सिंपल, इसके अंदर हेडर फूटर अपन डिजाइन करते हैं. अब यहाँ पे मैं कंट्रोलर्स में जाऊँगा और इसमें कंट्रोलर्स का नाम दे दिया मैंने ऐड एडमिन कंट्रोलर, एमबीसी कंट्रोलर एमटी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे. इसका नाम दे दिया मैंने एडमिन कंट्रोलर, व्हाट देयर नेम, एडमिन कंट्रोलर दिस वन. ओके, एंड दिस कंट्रोलर आई हैव बीन एडेड. ये कंट्रोलर हमारा ऐड हो गया. अब मैं पहले लेआउट पेज के अंदर थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ, हेडर फुटर. अब इसमें देखो रेंडर बॉडी जो होता है ये चाइल्ड कंटेंट के लिए होता है, चाइल्ड पेज को यूज कर कॉल करने के लिए. तो मैं यहाँ पे HTML के सिमेंटिक टैग का यूज़ कर लेता हूँ, हेडर डिव एंड आफ्टर दैट आई विल यूज़ हियर फुटर. ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, हेडर डिव एंड फुटर. यहाँ पर मैं जाऊँगा style.css और इसके अंदर मैं हेडर, ठीक है, ड्यू के अंदर, ड्यू को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ. ड्यू के अंदर मैं ड्यू भी चाहूँ तो मैं इसमें भी सेक्शन टैग लगा दूंगा. सेक्शन इज द सिमेंटिक टैग. तो सिमेंटिक टैग इज मोर ऑप्टिमल एज कम्पेयर टू नॉर्मल HTML टैग, दैट्स वाई वी शुड प्रीफर दिस वन. इसके लिए आपको HTML की स्टडी थोड़ी सी करनी पड़ेगी जिनको HTML नहीं आता है. देखो HTML आपको सभी वेब डेवलपमेंट के अंदर कॉमन है, दैट्स वाई HTML यू शुड लर्न HTML परफेक्टली. ओके, यहाँ पे मैंने हाइट दे दिया इसका 200 पिक्सल. बैकग्राउंड कलर मैं अभी कोई सा भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ. आई विल प्रोवाइड द बैकग्राउंड कलर, एनी कलर आई कैन प्रोवाइड इट, फॉर एग्जाम्पल डार्क ब्लू, दिस कलर आई विल प्रोवाइड. ओके, अगेन आई विल प्रीफर योर हाइट, व्हाट हाइट आई विल प्रोवाइड, 500 पिक्सल. अगेन बैकग्राउंड कलर आई विल प्रोवाइड देयर, बैकग्राउंड कलर विल बी ग्रे, दिस वन. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हाइट, आफ्टर दैट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इज दिस. नाउ आई विल बिल्ड दिस सॉल्यूशन. ओके, तो ये स्टाइल हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है. अब इस स्टाइल को अपन यहाँ से ओपन करेंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे. सॉरी, नाउ आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप दिस एंड बिल्ड इट. तो ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपका यहाँ पे हो चुका है. ओके, एडमिन कंट्रोलर्स के अंदर एक डिजाइन, आपको एक सिंपल डिजाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा. अब मैं यहाँ पे इंडेक्स बनाऊंगा, ऐड व्यू करूंगा. इसमें मुझे रेजर व्यू लेना है. रेजर व्यू जैसे मैं लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट के अंदर एम्प्टी टेम्पलेट अभी लेना है. यूज ए लेआउट पेज. अब लेआउट पेज के अंदर मुझे अपना लेआउट पेज लेना है. यहाँ पे व्यूज़ में जाऊँगा, व्यूज़ के अंदर शेयर्ड में जाऊँगा, लेआउट एडमिन लूँगा. ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे अपना लेआउट नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो जो उसका डिफॉल्ट लेआउट है वही ले लेगा. इसको मुझे ऐड करना है. ओके, तो ये एडमिन का एक
पैनल अभी आपका क्रिएट होगा. इट विल टेक सम टाइम बिकॉज इट विल क्रिएट द कंप्लीट डायरेक्टरी हियर अंडर द व्यूज फोल्डर्स एंड इट विल क्रिएट द फाइल अकॉर्डिंग टू नेमिंग कन्वेंशन. ओके, इंडियन अंडर डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन. वेबसाइट इज जनरली द स्टैटिक कंटेंट, ओके, हुज कंटेंट इज फिक्स्ड एंड इट हैज़ नो एनी डेटाबेस. बट इन वेब एप्लीकेशंस देयर कंटेंट इज डायनेमिक एंड इट कंटेन डेटाबेसिस एंड ऑल द इंफॉर्मेशंस विल कम फ्रॉम डेटाबेस. ओके, तो सपोज दैट यू आर यूजिंग फेसबुक, यू आर यूजिंग लिंक्डइन, यू आर यूजिंग naukri.com, यू आर यूजिंग गूगल. दीज आर द वेब एप्लीकेशंस, दीज आर नॉट द वेबसाइट. ओके, सपोज दैट यू आर क्रिएटिंग एनी कंपनी वेबसाइट, सपोज दैट फाइव पेजेस एंड यू जस्ट कंटेन द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज द वेबसाइट. ओके, वेयर वी यूज कुकीज. ओके, कुकीज एक्चुअली कुकीज इज द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शन. यू कैन यूज कुकीज इन वेबसाइट एज वेल एज मोस्ट ऑफ द केस इट विल बी यूज ऑन वेब एप्लीकेशन. ओके, इफ यू वॉन्ट टू स्टोर योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सच एज योर यूजर आई डी एंड पासवर्ड, ओके, देन यू कैन यूज कुकीज. तो कुकी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये किसी भी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के अंदर के स्टेट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए अपन कुकी का यूज़ करते हैं. जैसे रिमेंबर मी देखते हो, आप यूजर नेम पासवर्ड लिखते हो और रिमेंबर मी करते हो, तो रिमेंबर मी आपका एक कुकी का एग्जाम्पल है. जैसे आप मोस्टली मोस्ट ऑफ द केस में कुकीज आपका मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो उसके बाद वो कुकी में सेव हो जाता है. अगेन जब आप आते हो तो आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालते हो, आप डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पेज पे पहुंच जाते हो या डैशबोर्ड ऐप के डैशबोर्ड में पहुंच जाते हो. तो ये क्या है, आपका कुकी है. ओके, हेलो सौरभ भागवत, हेलो हाउ आर यू. ओके, तो मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई हुई है और अब हम इसको चलाते हैं. हमारा पेजेस लगभग रेडी मोड पे आ चुका है. अगेन आई विल राइट हियर एस्ट्रिक मार्जिन कोमा 0 pixel. ओके, नाउ आई विल बिल्ड इट, जस्ट बिल्ड दिस, बिल्ड सक्सीडेड एंड नाउ. ओके, वन थिंग इज मिसिंग हियर. आई विल सिंपली गो ऑन program.cs एंड चेंज द कंट्रोलर नेम. ओके, वॉट नेम आई विल प्रोवाइड हियर, आई विल जस्ट प्रोवाइड एडमिन एंड नाउ आई विल बिल्ड इट, बिल्ड सक्सीडेड एंड नाउ आई विल जस्ट एग्जीक्यूट इट. ओके, नाउ द पेज हैज़ बीन ओपेंड हियर एंड दिस इज द लेआउट हैज़ बीन डिज़ाइंड. ओके, और ये अभी मैंने सिंपल एक लेआउट बनाया हुआ है. यहाँ पर यदि मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ. यहाँ पे मैं लिख दूंगा QMS admin, दिस इज़ फॉर QMS admin. ओके, and h1 I will simply write here inline css style color white, that's it. Okay, now it's not visible, just press here, it will again reload. Okay, QMS admin, that's it. So now here I will design the login because admin has no any configuration. It will directly log in here, username and password, and simply I will log in here. Then admin will verify and go to their dashboard page. Okay. So in dash, how to design a dashboard page, that thing also I will discuss here. So इसके लिए आपको पूरा session में next आपको admin module कैसे database migrate करके बनाते हैं, that thing I will discuss. तो ये project session है, इसको आप बहुत अच्छे से ज़्यादा attend करिए, ठीक है, ये आपके लिए better रहेगा. और जो ASP.NET Core MVC के अंदर के जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, क्योंकि .NET मॉडर्न .NET यही है. और मैं आपको ये भी बहुत बोलता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली करिए, सिर्फ थ्योरेटिकल देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है. मेरा जो पर्टिकुलर्स आपसे यही है कि आप प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे. प्लीज़ सर गाइड मी टू गेट जॉब इन .NET developers. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये .NET developers बनने के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है. बाकी जो जॉब्स के लिए आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पर आप देखिए बहुत सारी कंपनीज के अंदर वैकेंसीज मिल सकती है.
अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रेशर लेवल पे वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, एक्सपीरियंस लेवल पे ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि आपको किसी भी टाइप का कोई .NET से रिलेटेड कोई जॉब सपोर्ट या कुछ भी आपको यदि रिक्वायरमेंट होती है तो आप shivaconceptsolution@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो टीम है आपकी प्लेसमेंट टीम, वो आपसे कनेक्ट कर सकती है। तो अवर मेल आईडी इज shivaconceptsolution@gmail.com। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट shivaconceptsolution.com ऑल्सो। और यदि कोई हमारा कोर्स भी परचेस करना चाहता है .NET का, तो वो भी हम shivaconceptdigital.com पे अवेलेबल है, ठीक है। जिसको यदि पूरा कंप्लीट .NET चाहिए तो वो shivaconceptdigital.com पे जा करके यहाँ पे .NET पे क्लिक करके हमारा पूरा कंटेंट भी ले सकता है। अभी बहुत ही कम प्राइस में है, अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले भी हैं, हो सकता है, ओके। तो नेक्स्ट सेशन में आप प्रोजेक्ट के अंदर का जो दूसरा